हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देखने वाले हैं आज के इस क्लास में सीसेट के बारे में या फिर रीजनिंग की क्लास हम लोग देखेंगे। इस रीजनिंग की क्लास में हम लोग बेसिकली आज देखेंगे सीरीज के बारे में, क्या कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा जो लोग भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं, दे कैन यूज दीज कोर्सेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन और डिस्कशन में आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज के बारे में। तो देखिये, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे नंबर सीरीज के बारे में। यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ तरीके बताए थे जहां पर मैंने बोला था कि असेंडिंग सीरीज हो सकती है, डिसेंडिंग सीरीज हो सकती है या फिर हमारी ऑसिलेटिंग हो सकती है। ऑसिलेटिंग का मतलब जहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज हो रही हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज हो रही हो, जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, ये सब हम लोगों ने देखा था। और बाकी देखा था हम लोगों ने +2, +3, +4 इस तरीके से बन रहा था, तो ये चीज हम लोगों ने देख रखी थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक और क्वेश्चन जहां पे थर्ड नंबर जो होता था वो फर्स्ट वन और सेकंड वन का ऐड करने के बाद तब जाकर के निकल के आ रहा था थर्ड नंबर। तो ये हम लोगों ने देखा था हमारी नंबर सीरीज। आई होप आप लोग को वो चीज समझ में आ गई होगी काफी अच्छे तरीके से। अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, एंड दैट इज अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में क्या होगा? अ सीरीज दैट इज मेड By only alphabetical numbers, alphabet letters से हो रही होती हैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा GHJM। अब पूछ रहा है आगे क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आप फटाफट एक काम करिए, A से लेकर के जड़ तक लिख लीजिए फटाफट। तो आपने इस तरीके से नंबर, इस तरह से अल्फाबेट्स लिख लिए होंगे, इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे ABCD आपने लिख लिया। अब सबकी नंबरिंग कर दीजिए, जैसे ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से फटाफट सारी नंबरिंग कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से नंबरिंग हमने कर लिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। GHJM, जी की वैल्यू आप चेक करेंगे तो कितनी है, जी की वैल्यू है 7, तो हमने यहां पर 7 लिख लिया। एच की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 8 है, तो हमने 8 लिख लिया। जे की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 10 है, तो हमने यहां पर 10 लिख लिया। और एम की वैल्यू आप चेक कर लीजिए 13 है, तो हम लोगों ने यहां पर 13 लिख लिया। नाउ आता है कि आगे क्या होगा। तो देखिए 7 में 8 + 1 जोड़ा, फिर यहां पर क्या हुआ +2 जोड़ा, प्लस फिर क्या हुआ +3 जोड़ा। अब आगे क्या होगा, +4 जोड़ दीजिए। जब आप +4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 नंबर का काउंट कर लीजिए, कौन है, क्यू है, तो बन जाएगा आंसर क्या, क्यू। बस काम खत्म हो गया, ये आपका आंसर भी हो गया। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन तो इनफैक्ट सबसे आसान होते हैं, क्योंकि आपको बस ये टेबल बनानी होती है और बस आपका काम खत्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग जरा अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो बीच में देखिए मिसिंग एलिमेंट है, और मैंने बोला है कि मिसिंग एलिमेंट जब भी आए आप फटाफट ऑप्शन को पुट करना शुरू कर दीजिए और देखिए कौन सा आंसर फिट बैठ रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। तो वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो बी का मतलब 2 है और एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है आपका 6, तो मैंने 2 लिखा फिर 6 लिख दिया। सी एच की वैल्यू देखते हैं, सी मैंने लिखा 3 है और एच की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से मिसिंग एलिमेंट है, तो यहां पर मिसिंग एलिमेंट है। फिर उसके बाद एच ओ, एच का मतलब 8 हो गया और ओ का मतलब कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एल टी, एल की वैल्यू कितनी है, 12 है और एल की वैल्यू हो गई 12। और टी की वैल्यू कितनी हो गई, वेयर इज टी, यस टी इज हियर एंड इसकी वैल्यू हो गई 20। फटाफट देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, 2 में 1 जोड़ा आपने, फिर इसके बाद यहां पर कुछ हुआ है और यहां पर आपने +4 जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए 6, 2, 8 हो गया है और यहां पर +5 जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी। अब यहां पर देखिए अगर मैं एफ जी को लेता हूं, सपोज एफ जी, और एफ की वैल्यू कितनी है, स्थानीय मान कितना होगा एफ का, 6 होगा और जी का 7 हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है, मैंने इसको यहां पर लिख दिया। ई के का लिख देते हैं, तो ई मतलब 5 हो गया और के मतलब हो गया 11, लिख दिया मैंने। सी ई का लिख देते हैं, सी मतलब 3 हो गया और ई का मतलब 5 हो गया। एफ और जे का मतलब लिख लेते हैं, एफ का मतलब हो गया 6 और जे का मतलब हो गया 10, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पुट करते हैं, 6 और 7, यहां पर रखते हैं 6, यहां पर रखते हैं 7, तो 7 में ये -1 हो जा रहा है और यहां पर ये +8 हो जा रहा है, तो ये देखिए वैल्यू नहीं बैठ रही है, ये नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन ए पक्का से नहीं होगा। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या, सी ऑप्शन देख लेते हैं पहले। सी ई, सी की वैल्यू रखेंगे तो यहां पर 2 की बजाय अब आपने रख दिया है 3, तो 3 3 कोई काम का नहीं होगा, काट दीजिए बिल्कुल भी। एफ जी को रखते हैं, एफ रखेंगे तो 6, अभी हम लोगों ने देखा यहां पर जब 6 रख रहे हैं तो ये +3 बैठ जा रहा है, +2 बैठ रहा है, काम नहीं बैठ रहा है,
तो यानी कि अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि यहां पर वैल्यू दूसरी कौन सी ले रहे हैं हम जो काम बैठ जाए। तो यहां पर अगर हम लोग ये लें 5 और 11, यहां पर 5 यहां पर 11, अब देखिए यहां पर 3 2 5, यहां पर जब आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 एकदम बेहतरीन बन गया। नीचे देखते हैं 8 3 11, 11 4 15, 2 3 4 5 बेहतरीन बन गया, यस पैटर्न बन गया, आंसर इसका हो जाएगी बी हमारी, क्लियर हो गया। तो देखिए इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जहां पर इस पूरे पहले आप टेबल बना लीजिए, हमारा एबीसीडी लिख लीजिए, उसकी एक जो भी प्लेस वैल्यू है उस स्थानीय मान को लिख लीजिए, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, अब उसकी वैल्यू को आप फटाफट लिख करके चेक करना शुरू कर दीजिए कि कौन सा कहां पर हमारा बैठ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये होती है दूसरे टाइप की क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जो आप आएंगे तो यहां पर अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, यानी कि हम लोगों को इसको भी यूज करना है और इसको भी यूज करना है, यानी कि अब यहां पर मैथमेटिक्स भी यूज हो रही होगी और साथ में हमारी अल्फाबेट्स भी यूज हो रहे होंगे। फटाफट देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन क्या है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है के एम पी टी, तो हम लोग एक काम करते हैं वापस से अपनी एबीसीडी और उसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं और उसके बाद से चेक करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए आप लोगों ने भी इस तरीके से लिख लिया होगा, ये काम देखिए आपको फटाफट एग्जामिनेशन में करना ही होगा क्योंकि इसी से हमारा जो कह लीजिए क्वेश्चंस हैं वो फटाफट सॉल्व होंगे और करेक्ट सॉल्व होंगे। अब देखिए के की वैल्यू आप लिख लीजिए, के मतलब कहां पे है, वेयर इज की, हमारा के कहां पर है, हमारा के मिल जाएगा आपको यहां पे 11 है इसकी वैल्यू, हमने लिख दिया 11। फिर उसके बाद एम की वैल्यू को लिखिए, एम है 13, हम लोगों ने 13 लिख दिया। फिर पी की वैल्यू लिख दिया, पी वैल्यू है 16, हम लोगों ने 16 लिख दिया। टी वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी 20, हमने 20 लिख लिया। अब आगे मुझे बताना है क्या होगा। अब देखिए यहां पर प्लस 2 कर दीजिए, यहां पर प्लस 3 कर लीजिए, यहां पर प्लस 4 कर लीजिए, यानी कि क्या हो गया प्लस 5, हमारा सीधे पैटर्न बन गया, यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 25 होनी चाहिए और 25 क्या है, वाई है, यानी एक बात श्योर हो गई कि हमारा वाई होगा, ये हमारा या तो ऑप्शन ए हो सकता है या हमारा ऑप्शन बी हो सकता है, वी नहीं पॉसिबल है तो बाकी के दोनों आप कट कर दीजिए, कोई पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एक में 3 जाएंगे प्लस 2 जोड़ दीजिए, 3 से 5 प्लस 2 जोड़ दीजिए, यहां से प्लस 2 जोड़ दीजिए 7 आ जाएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, वाई एंड 9 आंसर हो जाएगा इसका ए, सिंपल। तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से आगे अगर क्वेश्चन देखें तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए इसको जरा और मैं पेन ले लेता हूं। ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली तीन चीजें आ रही हैं, 2 आ रहा है, z आ रहा है, 5 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर देखिए 7 आ रही है, y आ रही है, फिर 7 आ रही है, फिर देखिए 14 x 9, सिमिलरली 23 w 11, फिर क्या आ रही है 34, फिर v, फिर 13, क्लियर है। अब आगे पूछ रहा है तो यहां पर देखिए, तो यहां पर तो सीधे आपको मिल जाएगा v आ रही है, फिर w आ रही है, फिर x आ रही है, फिर y आ रही है, फिर z आ रही है, तो z y x w v, यानी कि अब v के बाद क्या आ जाएगा, u, देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो हम लोग u हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन तो ये है कि हमारा a तो नहीं हो सकता है, या हमारा c होगा या b होगा या 48 होगा, यानी कि बीच वाली वैल्यू पता चल गई कि 48 होगी। यहां से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट और हमारी ये आंसर है। अब देखिए यहां पर जब आप चेक करेंगे तो यहां पर वैल्यू बन रही है प्लस 5, प्लस 5 के बाद प्लस 7, प्लस 7 के बाद जब आप यहां पे आएंगे तो प्लस 9 आ रही है, प्लस 9 के बाद ये बन रही है प्लस 11, यानी कि अगला क्या बनेगा प्लस 13, सिंपल वही जो हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दौरान देखा था। और जब 34 में 13 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 47, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 47, तो या तो आंसर बी होगा या सी होगा। अब हमारा डी भी कट गया, ये भी अब पॉसिबल नहीं है। अब देखिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, फिर 2 जोड़ेंगे तो 15, अब 15 जोड़ेंगे तो 15, देख लीजिए 15 क्या यहां पर है, नहीं यहां पर 17 है, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या हो जाएगा सी ओनली, क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये थी हमारी दूसरे टाइप की क्वेश्चन जहां पर हमारी अल्फा न्यूमेरिक होती है, जहां पर अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी हो रहे होते हैं। यहां पर आपको वही जो पुराने आपके दो टाइप के क्वेश्चंस थे उसी के बेसिस पे आप इसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे, क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये थी हमारी डिस्कशन, आगे हम लोग सीरीज के कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल इसको आप यहीं पर स्थगित करते हैं, यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप
कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लिए, वहां से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इसी तरीके के सीरीज के क्वेश्चंस के साथ।